डोडा के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कास्टीगढ़ में आज इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एनजीओ वर्क और नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ कौमी एकता प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रोग्राम में इंडियन आर्मी 10 RR की तरफ से इंडियन आर्मी में भर्ती होने, NDA प्रवेश करने स्कीम हिमायत जैसे ऐसे अन्य बहुत सारी स्कीम की जानकारी विद्यार्थियों के बीच बताया गया। इंडियन आर्मी तथा NGO वर्क, नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के ऐसे काम करने पर जनता स्कूल स्टाफ के विद्यार्थियों ने धन्यवाद दिया। आज का प्रोग्राम हमने कास्टीगढ़ हाई स्कूल में करवाया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोगों ने टर्न अप कराए, क्वाइट ए ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज आए थे, तो इतने संख्या में बच्चों को देखकर अच्छा लगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि मैं इतने सारे बच्चों के साथ वन टू वन इंटरेक्ट हो पाया। और जो मेरे मैं जिस कारण से ये स्कूल में आया था बच्चों से बात करने के लिए, इन चीज़ों को मैं क्लियरली उनके डोर्स पुट अप कर पाया और बच्चों को काफ़ी कुछ समझ में भी आया। और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर ये जो बच्चे जो यूथ हैं, दे आर दी बिल्डर्स ऑफ द नेशंस, दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो अगर वो सही तरीके से तालीम हासिल करेंगे स्कूल लेवल से ही, तो आगे चल कर कुछ सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर किसी को मोल्ड करना है तो स्कूल लेवल से बच्चों को सही तालीम देना है। तो हम अगर ऐसे फौज किसी तरीके से कुछ थोड़ा सा भी अगर योगदान देकर उनको सही रास्ते पर ले जा पाएँ तो इससे बड़ी चीज़ हो मेरे लिए कुछ नहीं है। और आज जो बच्चे यहाँ पर मेरे लेक्चर सुनने आए हैं, उनमें से अगर 10% भी मेरे लेक्चर को सुनकर आगे सही रास्ते पर और सही लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो आई बिलीव कि मैंने अपना आज का काम कम्प्लीट कर। थैंक्स। मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कास्तीगढ़ इस हैसियत से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आज प्रोग्राम हुआ, तो मैं कल घर में बैठा था तो इस साहब ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा हम करना चाहते हैं यहाँ पर। मैंने कहा बहुत वेलकम है, आप आ जाइए और अगर बच्चों को किसी भी बात से कोई फ़ायदा मिलता है तो मैं उसको हमेशा वेलकम करता हूं। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने यहां पर आकर जिस तरीके से बच्चों के साथ घुल मिल कर बात करने का जो एक तरह से अपना सलीका दिखाया, तो ये बहुत ही काबिलदार है, काबिले इज्जत भी है। तो बच्चों के को जब कोई मोटिवेशनल बात मिल जाती है तो यकीनी तौर पर उसका एक अच्छा मैसेज चला जाता है पूरे समाज में। इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, यहाँ के इस इलाके के नौनिहाल बच्चे हैं तो ये बात इनके घर तक भी पहुँचेगी, ये इनके आसपास में भी जाएगी, तो यकीनी तौर पर इसका बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। इस तरह के प्रोग्राम हमारे स्कूल में होने चाहिए। मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम बीच बीच में आने चाहिए हमारे स्कूल में, ताकि बच्चों को एक प्रेरणा मिलती रहे और वो अपने लक्ष्य में जो इनका गोल है आगे जो ये पढ़ाई में हैं। गांव में अक्सर ये होता है कि पढ़ाई के मामले में बच्चों को बहुत सारी मुश्किल आती है। स्टैंडर्ड 12th क्लास आज जो सर ने ये सब कुछ बताया बहुत अच्छा हुआ, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि हमारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और ये सब बहुत अच्छा था जो सर ने सब कुछ बताया, इससे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। एंड इंडियन आर्मी के लिए हमारी तरफ से सल्यूट तो बनता ही है एंड सब स्टूडेंट की तरफ से। मेरा नाम अबरार लतीफ़ है, मैं 12th में पढ़ता हूँ। ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, जो हमारे सर है आर्मी वो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छा मतलब जज्बा दिया बोलने का और मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं ये हमारे। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।